पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार वाला मॉडल फेल हो चुका है, जिसका बीजेपी वोट के लिए बहुत चर्चा करती रही है। महाराष्ट्र आर्थिक सुस्ती से सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो है वो लगातार 4 साल से गिरती आ रही है। मनमोहन सिंह ने संकटग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के परेशान 16 लाख जमाकर्ताओं को राहत देने के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग भी की है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि 5 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी असंभव है। This government has been in office for 5.5 years. It should have learned from our mistakes and provided credible solutions to those problems which are still affecting our economy. Nirav Modi and other people who ran away with bankers, with the public money, you cannot claim year after year that the fault lies with the UPA. You have been in office for 5.5 years, and that's long enough period for a government which is committed to public welfare to do some credible things.